हेलो गाइस, आई एम बैक विद अ न्यू वीडियो। और आज की वीडियो में मैं एक ऐसी चीज़ के बारे में बात करने वाला हूँ जिसकी कहानियाँ तुमने अपने बचपन में अपनी दादी नानियों की कहानियों में सुनी होंगे। उसके किस्से कहानी, हाँ उन्हीं किस्से कहानियों में से अगर कुछ सच हो जाए या कोई डायरेक्टर उस पर मूवी बनाने की सोचे तो कैसा होगा। तो हाँ, आज मैं एक मूवी जो ऐसी कहानी पर बेस्ड है उस पर बात करूँगा, जिसका नाम है द टेल ऑफ ए ओनियन विच। हाँ, यही मूवी का नाम है। और मैं पहले ही बताना चाहूँगा, ये शॉर्ट फिल्म हैं जो कि YouTube पे फ्री है। तो हाँ, थोड़ा हॉरर कंटेंट पुश करने की सोच रहा हूँ मैं, क्योंकि मुझे पर्सनली अच्छी लगी मूवी। दोनों मैंने एक गो में देख ली दोनों मूवी, जो कि शॉर्ट फिल्म के साथ बहुत कम होता है। इससे पहले मैंने चटनी देखी थी शायद, उसमें भी अच्छी एक्टिंग थी। और इसमें ये भी है कि इसका ना जो सेकेंड पार्ट बनाया है वो बहुत अच्छे से इंक्लाइन होता है अपने फर्स्ट स्टोरी से, तो मज़ा आता है मूवी। तो जैसे कि तुम्हें पता है किससे कहानियों में तुमने सुन रखा है कि एक दिन के कुछ दोस्त एक घर नया लेते हैं और वहाँ उन्हें पता चलता है कि एक आत्मा है या एक भूतनी आती है और उनसे कुछ मांगती है, और अगर तुम उसको नहीं देते तो तुम्हारे साथ बहुत गलत होता है। तो मूवी का सेंटर प्लॉट यही है दोनों पार्ट्स का, बट जो कंडीशंस हैं वो दोनों में अलग हैं। कैरेक्टर्स कुछ सेम भी हैं जो कि अच्छा बनाते हैं मूवी को, कैमियोस टाइप। हाँ, स्त्री से पहले पुल आउट कर लिया उन्होंने मल्टी यूनिवर्स बनाना, बट हाँ कौन ही इतना तवज्जो देता है यूट्यूब वीडियोस को, जो कि सच है, यूट्यूब शॉर्ट फिल्म्स को कौन ही तवज्जो देता है। तो मूवी चालू होती है दो नौजवान लॉन्डों से जो कि एक नए घर की तलाश में एक नए फ्लैट को पा लेते हैं, बट उसकी जो लैंडलॉर्ड है वो उन्हें एक रहस्य बताती है कि अगर तुमने इस फ्लैट का पेमेंट तो कर दिया है, बट तुम्हें एक चीज़ अब मैं बताना चाहूँगी कि यहाँ रात को एक औरत की चलने की आवाज़ आती है जो कि 100 साल की बताई जाती है। वो अगर तुम्हारे दरवाजे पे आए और खटखटाए और तुमसे एक चीज़ पूछे कि प्याज है, तो जवाब मत देना। जो ठहराव है ना डिलीवरी में इस डायलॉग के, वो बनाता है मूवी के जो नेचर को हॉररिफिक है थोड़ा बहुत। और जो रात वाली चीज़ें चालू होती हैं कि किसी और पते से आती है और कुछ लास्ट में क्लाइमेक्स है दोनों मूवी का मज़ेदार। पहली मूवी का ज़्यादा बढ़िया है, झूठ नहीं बोलूँगा, क्योंकि तभी उस पर 1 मिलियन व्यूज है, नहीं तो 1 मिलियन व्यूज एक ईजी बात नहीं, मेरी एक वीडियो पर भी नहीं है। ठीक है, सेल्फ रोस्ट थोड़ा ज़्यादा हो जाता है कभी कभार, बट हाँ दोनों मूवी मज़े देती हैं। अगर तुम देखोगे तो तुम्हें समझ आएगा कि इट्स अ गुड क्वालिटी कॉन्टेंट जो कि यूट्यूब पर है, बट जो शॉर्ट फिल्म का विजन है वो बहुत अच्छा है कि वो एक टिपिकली जो स्टोरीज हमने सुनी है गाँव बखेड़ों में कि क्या होता है कि एक दिन दादू के पास कोई आता है या ताऊ के पास कोई आता है और कहता है अरे सिगरेट है क्या, माचिस देना, और तुम्हारे दादू जैसी माचिस देते हैं, जला के फूकने लग जाता है और फिर गायब हो जाता है। वो कहानी तुमने सबने सुनी है स्कूल टाइम्स में, तो ऑब्वियसली स्कूल टाइम्स में तो ऐसा होता है कि पूरी एक क्लास यही बात कर रहे हैं कि किसके पास क्या क्या हॉरिफाइंग इंसिडेंट्स है, आओ बताओ तुम्हारे दादा और मेरे दादा की स्टोरी सेम कैसे है, मेरे दादा यूपी में रहते हैं और तुम्हारे बिहार में, ये वर्ल्ड इट इज़ सो सेम। तब पता चला कि सभी दादा की स्टोरी सेम है, क्योंकि वो भी उन लोगों ने भी अपने दादा पापा से ही सुनी थी। ऐसा ही सिस्टम है, क्या करें। पर्सनली जो मूवी का प्लॉट है मुझे बहुत अच्छा लगा, जब जो लास्ट में क्लाइमेक्स आता है और दोनों में ट्विस्ट आते हैं वो दिल जीतते हैं थोड़ा बहुत। और जैसे अगर तुम कुछ देखने की सोच ही रहे हो तो एक बार शॉर्ट फिल्म्स को भी ट्राई देख के देखो, क्या पता तुम्हें शॉर्ट फिल्म्स अच्छी लगने लग जाएँ। अगर इस वीडियो पर अच्छा रिस्पांस आएगा तो मैं शायद से आगे भी शॉर्ट फिल्म्स का रिव्यू करूँगा, नहीं आएगा तो इसको भी एक बुरी दास्तान की तरह भूल जाएंगे, जैसे दादी नानी भूल जाती हैं कि उन्होंने कल कौन सी कहानी बताई थी और एक नई कहानी सुनाती हैं। वैसे ही मैं कल आऊँगा एक और नई कहानी के साथ, एक और नई मूवी के रिव्यू के साथ। तब तक के लिए इस मूवी को यहीं विराम देते हैं। और एक बात कहना चाहूँगा, अगर कोई आए घर दरवाजे पर रात को 3 बजे के बाद या 12 बजे के बाद, गेट नहीं खोलना है चाहे कितना भी खटखटा है। ऐसे दिखाओगे तुम सोच चुके हो, जैसे कि तुम हमेशा करते हो, सच है ना। मैं तो ये करता हूँ जैसे मेरे को लगता है कि डर, एक्टिंग करो सो गए तुम, तुम्हें नहीं पता कुछ हो रहा है। ठीक है, तो हाँ इतनी ज्ञान की बातों के साथ मैं करता हूँ वीडियो को एंड। तब तक के लिए स्वस्थ रहना, मस्त रहना, बुरी नजर से दुरुस्त रहना, मचाते रहना, जिंदगी मचाने का ही नाम है भाई। ठीक है, चलो मिलता हूँ। 24 days कम्प्लीटेड एंड अब जस्ट 6 days टू गो टू कम्प्लीट 30 days 30 videos। इसके बाद मैं शायद से ब्रेक लूँ, क्योंकि कुछ वीडियोज़ पे ना ऐसा लगता है कि दिल दिया था, मतलब कोशिश करी थी, अच्छा व्यू रिस्पॉन्स आया, व्यूज़ नहीं आया उस पर। तो जैसे कि मैं पर्सनली जो मैं सोचता हूँ कि अच्छा कंटेंट जैसे मैंने डिलीवर करा है, ऑब्वियसली इस तरीके का रिव्यू, और जो कि कह सकते हो क्रेवन दी हंटर के ऊपर बात करी थी, तो मार्वल तो इस चैनल पर चल ही नहीं रहा। तो मैं सोच रहा हूँ कि जब ग्रो होगा दूसरा कोई ये वाला चैनल अच्छे से,
तो उसके लिए सेपरेट चैनल बनाएंगे जिसपे हम मार्वल या हॉलीवुड की बात करेंगे दिल खोल के, जिस पर नॉर्मल मूवीज अंडर रेटेड मूवीज ही रखते हैं ताकि ज़्यादा ग्रोथ मिले, क्योंकि मिली उस तरीके। ठीक है, बाय बाय। एक हसीना थी का भी रिव्यू अच्छा था। अगर तुम्हें एक ऐसी मूवी देखनी है जो बॉलीवुड के कागज़ों में गुम हो चुकी है तो तुम्हें एक बार वो चेक इट आउट करनी चाहिए, क्योंकि उसमें गुड एक्टिंग और गुड प्लॉट के साथ लिखी हुई है। श्री राम राघवन की मूवी है, तो अगर तुम्हें उनका डायरेक्शन स्टाइल या उनकी जो थ्रिलर मूवीज़ हैं पसंद है तो तुम्हें एक ट्राई देना चाहिए एक थी हसीना को भी। तो हाँ, बाय बाय।